बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस ने गन रखने का लाइसेंस दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले सुपरस्टार मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मिले थे और आत्मसुरक्षा का हवाला देते हुए हथियार रखने की एप्लीकेशन दी थी। सलमान को 5 जून को जान से मारने की धमकी मिली थी। लेटर में लिखा था कि सलमान जल्द ही तुम्हारा हाल मूसे वाला जैसा होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इसके बाद से ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इससे पहले सलमान ने अपनी कार को भी अपग्रेड किया था। उन्होंने अपने लैंड क्रूजर कार को बुलेट प्रूफ करवाया था और आर्मर लगवाया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार के सभी कांच को भी बुलेट प्रूफ करवाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लैंड क्रूजर का नया मॉडल नहीं है बल्कि पुराने मॉडल को ही अपग्रेड किया गया है। यह पूरा मामला तब सामने आया था जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सैर के बाद सलीम खान को अज्ञात लेटर मिला था जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेटर में लिखा था कि तेरा मूसे वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। इसके बाद सलीम खान ने अपने सुरक्षाकर्मी की मदद से पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद से मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी थी और उनके घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की एक स्पेशल टीम को तैनात किया गया था। वहीं पुलिस ने सलमान को पब्लिक अपीयरेंस कम करने को कहा था। यही वजह है कि सलमान इस साल ईद में अपने फैन से भी नहीं मिल पाएंगे। सलमान के वर्क फ्रेंड की बात करें तो एक्टर फिलहाल कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के अलावा पूजा हेगड़े, शहनाज गिल और कृति सनन लीड रोल में हैं।